असलम जी क्या हाल चाल है आप सब लोगों का उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आज का प्रोमो तो आपने देख ही लिया होगा आपने कहा जिक्रबाज़ी, इकरा बाजी मासी बन गई है सफाइयों पे सफाइयाँ करी जा रही हैं बट इट्स यू नो थोड़ी बहुत मोटिवेशनल वीडियो मे बी इट कैन हेल्प यू मैनी अदर वेज आई कैन से दैट चले जी स्टार्ट करते हैं सुबह नाश्ते पे बाहर वाला तो व्यू देख ही लिया होगा थक गए होने तो सी भी मेरी तरह बार एक ही जैसा व्यू देख के पार्किंग लॉट में क्या क्या दिखा सकती हूँ मैं आपको खैर नाश्ते की तरफ आते हैं आज का नाश्ता थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत हेल्दी है अगर आप लोग बच्चे आपके मतलब मीठी चीज़ें खा के थक जाते हैं जो कि वो कभी नहीं थकते तो आप उनको ये बना के दे सकते हो ये वैसे सेम वही रोटी है जो मैं अक्सर अपने बच्चों को मीठी रोटी बना के देती हूँ जो मैं उनको मतलब आटे वाले पैन केक्स हैं पर ये थोड़े से नमकीन पैन हैं एक अंडा लिया है उसमें मैंने दूध डाल दिया है नमक डाला मैंने थोड़ा सा औरगैनो डाला काली मिर्च डाली और मैंने इसमें थोड़ी सी ड्राई मेथी डाल दी मेथी का टेस्ट इतना कोई अच्छा आया ना मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था और ख़ुद से ट्राई मारी मैंने लेकिन बहुत ही अच्छी बनी खैर इसके दो पराठे बन जाते हैं ईजीली तीन चम्मच सिर्फ आटे के हैं और इतना हेल्दी है ना वैसे मेरे बच्चे हमेशा खाते हैं ना तो आधा छोड़ देते हैं दूध दो 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 घंटे लेके बैठे रहना जी मैं पास डंडा लेके कर खड़ी होना तो उन्होंने दूध पीना है मतलब सिर्फ दो ऐसे करती है मेरा बेटा भी ऐसे नहीं करता तो जी इंग्रेडिएंट्स आपने देखे मैंने इसको अच्छे से ए, मिक्स कर लिया उसके बाद आपकी मर्ज़ी मैंने थोड़ा सा वैसे जो मैंने बोतल लेके आई थी तो थोड़ा शो ऑफ करना तो बनता था ना फटाफट मैंने अपने तवे पे स्प्रे मारा और फिर खैर मैं इसकी एक रोटी बना लूँगी और ज़्यादा मतलब बहुत बारीक नहीं बस आपने इसको ऐसा बैटर डालना है कि वो खुद ब खुद एक रोटी बन जाए थोड़ा सा फैला देना ताकि अच्छे से हो जाए और मीडियम फ्लेम रखना है मीडियम फ्लेम पर इतनी जल्दी बन जाएगी ना आपकी ये रोटी हेल्दी भी बहुत है मेरे अकॉर्डिंग ना ये बहुत हेल्दी है नाश्ता बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी बंदो और ये मेरा नाश्ता सेम वही है बस इसमें आधा प्याज मेरा बचा हुआ था तो फिर मैंने वो इसमें चॉप करके वो डाल दिया थोड़ी सी मैंने अपने लिए उसमें पैप्रिका डाल के तो वो मैंने अपनी रोटी बना ली लेकिन बच्चों ने मेरी आधी पैप्रिका वाली रोटी खा ली और फिर मुझे उनकी सादा खानी पड़ी खैर दोनों ही बहुत मज़ेदार थे लेकिन खैर उनको मेरी ज़्यादा पसंद है क्योंकि अक्सर जो चीज़ मैं अपने लिए ना उन्होंने कहना हमने वही खानी है मामा जान जो आप खा रही हैं हम वो क्यों खाएँ जो आपने हमारे लिए बनाया खैर इतनी अच्छी रोटी है इतना क्विक नाश्ता है मतलब अगर सुबह आटा गूँधा वन नहीं है ना तो आराम से ये वाली रोटी बनाए बच्चों को टिफिन बॉक्स में डाल के दें आपके बच्चों को दूध भी इसमें होगा इसमें अंडा भी है इसमें होल वीट हमारा यानी कि जो गंदुम की जाइत है वो भी सारी बच्चों को मिलेगी तो ये बड़ा हेल्दी नाश्ता है बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट है और इसका अब मैंने दूसरा वर्जन ढूंढ लिया यानी कि नमकीन वर्जन तो वो भी बड़ा मज़ेदार था और आज हमने बड़ा इन्जॉय किया ये मेरा नाश्ता है मेरी रोटी में थोड़ा सा प्याज था मुझे ये था मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी लेकिन नहीं उतने टाइम में आराम से बन गई थी जब आपको लगे ना एक साइड इसकी अच्छे से कुक हो गई है और यानी कि ऊपर ये जितनी भी गीली गीली सरफेस है सारी ड्राई हो जाएगी ना उसके बाद आपने इस पर ऑयल हल्का फुल्का लगाना है जैसे अब सारा ड्राई हो गया तो आपने इस पर ऑयल लगा के तो इसको फ्लिप कर देना तो आपकी अच्छी सी रोटी तैयार हो जाएगी यानी कि पका के और बहुत कम टाइम में ईज़िली तैयार हो जाएगी आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाओ कैचअप के साथ खाओ सादा खाओ चाय के साथ खाओ मैंने तो आराम से ऐसे सादा इसको खाया था साथ एक कप चाय का लिया मैंने और फुल इंजॉय किया बहुत मज़ेदार रोटी थी आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और आज की जो वीडियो है ना आप कह रही हैं कि आज बाजी सिर्फ सफाइयाँ दिखा ही दिखाई जा रही है आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना घर कैसे साफ़ करती हूँ और अपने घर को मैं किस तरह मेंटेन रखती हूँ मतलब मुझे सारा दिन टू बी ऑनेस्ट ना जब मैं सुबह सफाई करती हूँ ना तो उसके बाद मैं सफाई शुरू करती हूँ अपने बच्चों को नाश्ता दे के और खाना जो है ना मतलब तो आधा काम करके फिर आधा काम मैं खाना बनाती हूँ फिर आधा काम बाद में करती हूँ जो वो वाला काम जिसमें मुझे बच्चे तंग ना करें अब जैसे कि अब मैंने बेड शीट पे भी बिछानी होती है ना तो भी मुझे बच्चे बहुत सताते हैं और स्पेशली मेरा बेटा ये मेरा अगर किसी ने मेरे पुराने चैनल पर किसी को पता तो मेरे पास एक कैट था कैट uh, बहुत प्यारी कैट थी मेरी लियो तो मैं जब बेडशीट बिछाती थी ना स्पेशली तो उसको बहुत उलझन होती थी उसने आना आके जंप करना है और बस फिर उसने मुझे नील्स के साथ बाइट करने शुरू कर देनी है कि बेडशीट को टच नहीं करो पता नहीं उसको गुदगुदी होती थी यूँ देख के तो खैर आपने ये नहीं कहना कि बाजी ने पुरानी बेड बिछाई हुई है यकीन मनो कल ही बिछाई थी <laughs> मैंने अभी दूसरी वाली उतार दी थी उस पर मेरे बच्चे ने कलर वो पूरा हाथों पे कर वाटर कलर फेर के ना पूरे मेरे बेड पे मल दिया था तो खैर फिर वो वॉश कर दी फिर मैंने ये वाली जो हाथ लगी मैंने फटाफट ये ले ली खैर यहाँ से मैं बालकनी में मैंने कपड़े शपड़े धो लिए थे और ये ड्राई हो गए थे तो मैं ये सारे उतार रही थी और जो कह रहे कि अब जो मेरे से पहले बता दूँ कि बालकनी में मैंने साइकिल इसलिए रखी है क्योंकि मेरी घर में जगह नहीं है घर बहुत टाइनिंग सा इसलिए मैंने बालकनी में उसको फिक्स किया हुआ है सबसे पहले उठ के मैं क्या करती हूँ और मैं आप लोगों को यही टिप दूँगी सबसे पहले उठ के अपना बेड सेट किया करें ठीक है और सबसे पहले मैं उठती हूँ मैं अपना बेड सेट पूरा करती हूँ दुआ का सारा बेड सेट करूँगी आपने इर्द गिर्द मैंने आपको दिखाया ना बहुत मैसी है तो वो मैसी रहने देती हूँ क्योंकि वो मैंने अपने बच्चों को खेलने का टाइम दिया होता है खैर यहाँ मैंने कपड़े निकाल लिए थे जो उनको मैंने अच्छे से तय लगा के रख लिया है और अब मतलब मैं उनको उनकी जगह पे रख दूँगी जो, जो जो जिस चीज़ के हैं मैं हर चीज़ सेपरेट सेपरेट रखती हूँ ट्राउज़र्स अलग बच्चों की टी शर्ट्स अलग नाइट सूट्स अलग और अपना नाइट सूट अलग हर चीज़ मैं इस तरह यानी कि जो मुझे रात को मैं आसानी से निकाल सकूं जब मर्जी और मैं अपने कपड़े बच्चों के ख़राब ना करूं यानी कि अगर मैंने अलमारी सेट की है ना तो कोई हफ्ता तक वह तमीज़ से सेट रहे जल्दी ख़राब ना हो फिर उसके बाद ना मैं बच्चों को शॉवर देने छोड़ देती हूँ और जितनी देर वो टब में शॉवर लेते हैं ना उतनी देर मैं वैक्यूम लगा लेती हूँ क्योंकि इस दौरान जो है ना मतलब जब वो दोनों नहीं ना होते फिर ही मैं वैक्यूम लगाती हूँ वरना वो दोनों में मेरे पीछे पीछे घूम रहे होते हैं एक जो मेरा छोटा बेटा है ना उसने तार के पास खड़ा हो जाना है और उसने जाके सिर्फ स्विच ऑन ऑफ़ ऑन ऑफ़ फिर मुझे इतना गुस्सा आएगा मैं क्या मैं क्या नवा नवा वैक्यूम लिया तो खराब कर देना है खैर जोक पार्ट पहले वैसे मैं झाड़ू लगाती थी लेकिन uh, क्योंकि मेरा फ्लोर दूसरा है तो मैं लगाती थी इधर मैंने ढूंढ लिया था फूल झाड़ू तो वो मैं लगाती थी तो ऐसे मैंने लगाना पीछे सारा कचरा चला जाना बड़ी मुश्किल होती थी, थी फिर खैर मैंने इसलिए वैक्यूम ले लिया वो बड़ा ईजी और कन्वीनियंट है और इजिली uh, क्योंकि फ्लोर दूसरा है तो इससे बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है फिर मुझे इतना वो ज़्यादा करना नहीं पड़ती मेहनत नहीं करनी पड़ती मतलब कि कूड़ा उठाने वाली मेहनत भी नहीं करनी पड़ती सारा कुछ इसमें चला जाता है फिर इसको मैं हर थ्री या फोर डेज बाद मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ ताकि ये भी अंदर से क्लीन रहे तो खैर मैं आप लोगों को सबसे पहली टिप तो ये दूँगी ना कि आप सबसे पहले उठ के अपना बेड बनाया करें जब आपको लगे ना आपका बेड क्लीन है आपके बच्चों का बेड क्लीन है आपका घर मैं कहती हूँ नाइन्टी तो नहीं कह सकते लेकिन चलो एट्टी तो साफ सुथरा नज़र आता है मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सबसे पहले काम ये करती हूँ डस्टिंग जो है ना वो मैं एम ही नहीं बोलूँगी मैं डेली डस्टिंग नहीं करती और क्योंकि मेरा डेली इतनी जल्दी घर गंदा भी नहीं होता क्योंकि थर्ड फ्लोर पर है तो इस वजह से तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अपना माइक्रोवेव और ये जो मेरा कंसोल पड़ा हुआ ये और अपनी फ्रिज मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इनको क्लीन करती हूँ क्योंकि फ्रिज को भी ऑब्वियसली डेली खोलना है माइक्रोवेव भी खोलना है तो इनको अगर ज़्यादा गंदे हाथ लगे हो ना फिर मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है क्योंकि ये दोनों वो पता है ज़रा क्लीन ही नज़र आए ना तो घर साफ साफ लगता है तो मतलब एक दिन बाद भी क्लीन ही होता है लेकिन अगर मतलब डेली रेगुलर भी करूँ तब भी ठीक है लेकिन एक दिन बाद भी बिल्कुल ओके हो जाता है तो खैर ये दोनों चीज़ें जो बाकी जो नॉर्मल रूटीन वाली मेरी डस्टिंग है ना यहाँ पे मेरी माँ शक्ल नज़र आ रही थी और मैं अपनी शक्ल देखी मैं कहो माई गोडी करा तुम तो सोई हुई मासी लग रही हो <laughs> फिर मैंने कहा ये वाला इमोजी बिल्कुल ठीक है मेरे मूड के लिहाज से अभी वाले मूड के लिहाज से है ये देखे मेरी फ्रिज लश्कारे है लश्कारें मार रही है पूरे एक आ, क्या से कहते हैं एक दिन बाद ना थोड़ी बहुत गंदी हो जाती है बच्चे भी कभी कभी गंदे बंदे हाथ लगा देते हैं तो इस वजह से तो यहाँ पर जो मेरी बाकी यहाँ की चीज़ें मैं मैंने वो रख दी और मैंने अपना पूरा ये भी सेट कर लिया अपनी डस्टिंग भी सेट कर ली और उसके बाद मैंने अपने बच्चों को जो है ना एक बच्चे को मैंने भेज दिया ट्यूशन और दूसरे वाले को क्योंकि आजकल दुआ का ऑफ चल रहा है और जो है इसलिए वो अभी सिर्फ ट्यूशन जा रही है और और अब बस यहाँ मैं वॉशरूम क्लीन कर रही थी वो घर पे नहीं थी और बस मेरा बेटा घर पे था वो तंग मुझे सबसे ज़्यादा करता है अब वो यहाँ पे आके खड़ा था और आया अंदर आके तो स्लिप हो गया लेकिन शुक्र है उसको चोट नहीं लगी फिर मैंने फटाफट अपना वॉशरूम क्लीन किया उसको शॉवर दे के तो मैंने उसको सुला दिया ताकि वो मुझे अब और तंग ना करे क्योंकि मैं अक्सर अपने ये मेरा कैमरा उठा के ना पूरा घुमा रहा था तो मैं मैं क्या बेटा मेरा स्टैंड टूट जा रहा है छट दे अच्छा खैर यहाँ पर मैं अच्छा मैं आपको एक अच्छी टिप देती हूँ आपका जो वॉश पेशन है ना मैं वैसे अक्सर सर्फ और जो हमारा लेमन मिक्स लिक्व होता है ना वो मैं वो थोड़ा सा अपने स्पेस पंच पे वो डालती हूँ और सर्फ डाल के ना मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ मेरी टूटी भी इस तरह लिशकारें मारती है ना तो अगर आप लोग भी इस तरह क्लीन करोगे ना आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे क्योंकि एक केमिकल जब दूसरे के अंदर मिक्स हो जाता है ना तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है और कुछ फॉर्मूले अच्छे भी निकल आते हैं तो ये वाला फार्मूला काफ़ी अच्छा निकल आता है तो खैर यहाँ पर मैंने अपना वॉश बेसन क्लीन कर लिया था अपना पूरा फ्लोर क्लीन कर लिया था वॉशरूम पूरा मैं नीट क्लीन करती हूँ और वो मैं डेली क्लीन करती हूँ क्योंकि मतलब हालांकि मेरे बेशक वॉशरूम का मेरा शूज़ अलग है लेकिन दुआ अपनी चप्पल पहनती है तो वो फिर अक्सर चप्पल के निशान भी मुझे बड़े बोंगे से लगते हैं बहुत बुरे बुरे लगते हैं पता नहीं क्यों मुझे ना अजीब सी फीलिंग्स आती है कि मैंने तो वॉशरूम साफ़ था ये वो तो फिर मैं मोप लगा के अब देखें सारा साफ़ कर लिया मैंने क्लीन हो गया और ये जो निशान है ना आप कहेंगे भाजी नीचे निशान है तो वो साफ़ नहीं किए तो ये ना मेरी टाइल्स ऑलरेडी पहले ही टूटी हुई थी जब हम लोगों ने ये घर लिया था तो ये अब टाइल्स तो मैं चेंज नहीं कर सकती लेकिन जितना साफ़ कर सकती थी तो वो मैंने कर लिया उसके बाद मेरे लंच बनाने की बारी आ गई थी लंच मैंने आज बिरयानी बनाई थी और इतनी आसान रेसिपी है ना चावल मैंने बॉईल कर लिए थे सारे खड़े मसाले डाल के ठीक है यानी कि एक तेज़पात और वो जो होता है वो स्टार स्टारनीस डाले थे मैंने दो उसमें ज़ीरा डाला और नमक डाला ऑयल डाला और मैंने वो उसको बॉइल कर लिए चावलों को यहाँ मैंने अनियन ले लिए थे और अनियन को मैं इतना ब्राउन करती हूँ और आधा प्याज मैं निकाल लेती हूँ बाद ऊपर सर्व करने के लिए ना तो बिरयानी के ऊपर जब ये वाला प्याज आता है ना मुँह में तो उसका टेस्ट ही वखरा होता है और इतना कोई बम्बो फ्लेवर आता है ना तो यहाँ खैर मैंने जिसमें चिकन डाला है चिकन को मैं भून लूँगी जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा इसमें डालेंगे हम टमाटर और हरी मिर्च चार से पांच हरी मिर्च थे और दो बड़े साइज़ के टमाटर थे और प्याज तीन बड़े साइज़ के प्याज थे ये तकरीबन ना वन के जी बिरयानी की रेसिपी है ठीक है और अगर आप लोगों ने मेरे पहले चैनल पर नहीं देखी तो अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ सिखा देती हूँ कि जब आपके चिकन का कलर चेंज हो जाना है फिर आपने डालना है अपने टमाटर प्याज़ फिर नमक काले मिर्च लाल मिर्च और ये इलायचियाँ इसलिए ये बिरयानी मसाला है बिरयानी मसाले के साथ मैंने इलायची इसी की थी वो साइड पर कर ली ये ढाई चम्मच बिरयानी मसाले का शान बिरयानी मसाला है और ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे ठीक है और मैं बस अब इसको अच्छे से कुक कर लूँगी और मैं ना जब मेरे पास फ़्रेश चिकन होता है ना तो मैं अपने चिकन को कुक भी नहीं करती आ, मतलब आ, कवर नहीं करती ना इसी तरह कुक करती हूँ और बहुत इजीली आराम से गल जाता है और टाइम भी नहीं ज़्यादा लगता और यहाँ पे अब मैं योगर्ट डालूँगी योगर्ट के तकरीबन मैंने इसमें डाले फी टेबल स्पून मैंने इसमें योगट डाल दिया ठीक है और बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको कवर करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आराम से इसने टमाटर के और ये योगट के पानी में ना इसने अच्छे से किचन कह रही हो चिकन में गल जाना है और फिर पानी भी नहीं ज़्यादा छोड़ता मसाला बड़ा फिट बनता है और अगर मुझे लगता है मैं कवर करके छोड़ती हूँ ना टमाटर भी पानी छोड़ देता है और दही भी पानी छोड़ देता है फिर मसाले को बनने में बहुत टाइम लगता है अगर आपके पास फ़्रेश चिकन है तो तो ये देखें फुल तेज़ आंच पे मैंने बनाया था ऑयल मैं निकाल लेती होती हूँ अपनी बिरयानी से और क्योंकि आजकल ऑयल थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं तो मैं इसलिए पकाते टाइम मैं सारा डालती हूँ लेकिन बाद में निकाल देती हूँ यहाँ मैं लेयर्स लगा रही हूँ और मैं अपनी काफ़ी वीडियो में बता चुकी मैं अपनी बिरयानी में लेयर्स इस तरह लगाती हूँ कि सबसे पहले चावल फिर सालन फिर चावल फिर सालन और हर चावलों की लेयर पर मैं बिरयानी मसाला लाजमी स्प्रिंकल करती हूँ वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास बोटी नहीं भी आ रही तो चावलों के अंदर इतना फ्लेवर होगा ना कि आपको बोटी खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके हिस्से में नहीं आती बस आपने ऊपर फूड कलर डालना है और पुदीना लाजमी डालना है मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने नहीं डाला और उसके बाद ये जी फाइनल लोग हम लोगों ने फिर अपना उसके बाद जी लंच हमने कर लिया था और लंच करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे और उसके बाद फिर उसके बाद मैंने मोप लगाया मोप इसीलिए मैं बाद में लगाती हूँ ताकि मेरा घर ना फिर थोड़ा सा क्लीन रहे और इधर मैं फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देख रही थी तो मुझे अपने आप इतनी हंसी आ रही थी मैं क्या वो पुराने ज़माने वाली आंटियाँ डांस नहीं करती इस तरह लग रहा है कि मोप लगाते लगाते मैं ऐसे डांस करी हूँ खैर बहुत ही मजाक हो गया आज तो मुझे लगता है वीडियो में और जी मेरी मुझे तो बहुत ही गिला शिकवा है आप सबसे आप लोग देखते हो वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते भाई क्या होता है पैसे लगते हैं ताडे फ्री द ता सब्सक्रिप्शन है अच्छा लगता है भाई देख के जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं फिर आपको लगता है कि यार आपकी यूट्यूब फैमिली भर रही है तो बड़ी खुशी होती है खैर और अच्छा मैं आप ये तो मैं बोली गई मैं अपने जब मोब में ना मैं अपने मोब में डालती हूँ फ्लोर क्लीनर उसके साथ मैं डालती हूँ थोड़ी सी ब्लीच उससे क्या होता है कि जो मेरे फ़्लोर पे अक्सर कुछ आ, से वो हार्श टाइप के स्टेन्स लग जाते हैं ना तो वो इजीली क्लीन हो जाते हैं तो फिर इस वजह से ना वो मैं अपने फ़्लोर पे अपने यानी कि मूप में ना वो डाल के तो मैं उसके साथ अपना पूरा फ्लोर क्लीन करती हूँ टीवी पे आपने देखा कितने ज़्यादा निशान थे मेरा बच्चा तो उसका दिल करता है कि बस मैं ना इस पर हाथ मारी जाऊँ किसी तरीके से गंद लगाई जाऊँ तो खैर मैं अपना लाजमी क्लीन रखती हूँ इसको टी को और डेली वैसे वो इतने हाथ लगाता है उसके बाद मेरी लास्ट काम होता है इस विंडो को क्लीन करना यह मैं सिर्फ़ वीक में एक या दो बार करती हूँ बहुत ही बार नहीं करती और ख़ैर यहाँ से ये यह मेरा लास्ट काम था उसके बाद जनाब अला मेरा बच्चा उठ गया था उसको उठ के मैंने खाना शाना खिलाया और खाने के बाद वो इतना एक्टिव हो गया कि वो जाके दराज में बैठ गया उसने पहले दराज की हर चीज़ नीचे फेंकी है और फिर मैंने उसको कहा चीज़ें उठाओ चीज़ें उठाने की बजाय जाके दराज में बैठ गया खैर उसके बाद डस्टिंग करने के बाद मैं अपना लाजमी जो मेरा डस्टर होता है उसको मैं अच्छे से वॉश करके मैं बाहर डाल देती हूँ ताकि वो ज़्यादा जल्दी गंदा ना हो क्लीन हो जाए तो बस यहाँ मेरा किचन भी ऑलमोस्ट साफ था मैं कहा कि मैं हूं पाता नू भाँडे धो तो बखावा तो जी ये थी मेरी पूरे डे की क्लीनिंग वी, मतलब वीडियो और आई होप आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी बहुत ईजी और मैं मतलब बेसिक्स है मेरी सफाई करने के तरीक़ा जैसे कि हम सारे करते हैं और यहाँ पे आपको पता है हर चीज़ खुद करनी पड़ती है कोई इधर हेल्पर वगैरह नहीं है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर को ज़रा क्लीन रखूँ हालांकि मेरे बच्चे दिन में बहुत बहुत गंद डालते हैं लेकिन मैं तीन से चार मरतबा अपने घर को पूरा साफ़ रखती हूँ कि कभी कोई अचानक भी आ जाए ना तो घर मेरा इतना गंदा ना लगे एटलीस्ट मेरा घर इतना नीट लगे कि मुझे एम्बेसमेंट ना हो ना तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी वैसे मैं अपना जो है ना स्टोव जो है ना वो मैं रात को क्लीन करती हूँ ताकि सुबह मॉर्निंग टाइम क्लीन हो और सारा दिन मतलब थोड़ा बहुत क्लीन करती हूँ लेकिन जो बेसिक मेन है ना वो मैं रात को करके सोती हूँ ताकि सुबह इतनी मेहनत ना करनी पड़े ना क्योंकि सारा दिन कुकिंग करते हैं तो मैं सारा दिन साफ नहीं कर सकती ना सारा दिन तो मैं इसको नहीं ना लेकर बैठी रहूँगी इसलिए मैं इसको हमेशा रात में करती हूँ दिन में थोड़ा थोड़ा अगर ज़्यादा मैसी हो गया तो थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ बाकी सारा ये रात में कर लेती हूँ ताकि मुझे सुबह के लिए ना हो तो आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी है ना तो आप लोगों ने इसको अच्छा सा प्यारा सा लाइक करना है कॉमेंट करना है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आई होप आप लोगों को कुछ कुछ तो मोटिवेशन मिली होगी जब अक्सर मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ ना खेने के या कुछ भी तो फिर मेरा दिल करता है यार मैं भी इसका ये वाली टिप जो है ना वो फॉलो करके देखूँगी तो अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई चीज़ मेरी वीडियो से फील हुई है तो कॉमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन फ़ील हुई है इससे कि नहीं तो अगर हुई होगी तो ज़रूर लाइक ज़रूर करना है थम्सअप ज़रूर देना ताकि फिर मुझे पता चले आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं तो इन आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो भी बहुत मजे की होने वाली है आज कल आपकी बाज़ी जो है ना आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही है ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली और जल्दी जल्दी बड़ी सी हो जाए और जल्दी जल्दी अब हम अपने हंड्रेड के कर ले मैं, मैं सोच रही थी मैं क्या मैं सो के उठूँ और मैं देखूँ सुबह ओम गॉड हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स और मेरा सिल्वर बटन आ गया <laughs> इनशाला इनशाला एक दिन हो जाएगा कंप्लीट आप लोग हैं ना साथ बस साथ रहिएगा आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है थैंक यू सो मच हमेशा मेरे साथ रहने के लिए और मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों की दुआएं और मेरी दुआएं भी हमेशा आप लोगों के साथ है बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा इन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़